नेक्स्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हमने डिफाइन भी किया है और उसी चीज़ को जो भी हमने डिफाइन किया, जो भी हमने समझाया, उसी को यहाँ पे नोट किया गया है। आप इसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। जैसे एनीथिंग दैट वी कैन सी और टच इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। हमने बताया जो भी वस्तुएँ, जो भी ऑब्जेक्ट जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स कलर्स एंड यूजेज। जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सभी के सभी सारे का शेप जो है अलग होता है, कलर भी अलग होता है और उसका यूज भी अलग होता है। ओके, सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स आर नेचुरल एंड सम अदर ऑब्जेक्ट्स आर मैन मेड, जिसको आर्टिफिशियल बोलते हैं। क्योंकि आपको नेचर से पता प्राप्त हो रहा है वो नेचुरल हो गया, जिसको हमने बनाया। जैसे ये मार्कर, इसको हमने बनाया, यानी कि इंडस्ट्रीज में बना, किसी ने बनाया इसको, ये आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि नेचुरल होते हैं। ऑल ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ मटेरियल्स एंड हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। मटेरियल की हम चर्चा करेंगे डिटेल में और डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सब के सब जो है किसी न किसी मटेरियल से बना होता है। जितने भी ऑब्जेक्ट है सब के सब जो है किसी न किसी मटेरियल से बना होता है। जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो आपको पता करना है कि इसमें जो कौन कौन सा मटेरियल यूज हुआ है। जितना भी जो भी मटेरियल यूज हुआ है वो अलग अलग मटेरियल से मिलके जो है ये मार्कर बना, तो मार्कर जो है एक ऑब्जेक्ट है। और इसमें जो भी चीज़ हमने यूज किया मार्कर को बनाने में वो सब के सब मटेरियल कहलाएगा। तो मटेरियल के बारे में जो है डिटेल से आगे के टॉपिक में चर्चा करेंगे। एंड हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, तो ऑब्जेक्ट जो है अलग अलग, जितने भी ऑब्जेक्ट है सबके सब जो है अलग अलग मटेरियल के बने होते हैं और सबका जो है सभी का जो है प्रॉपर्टीज भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, तो ये तीन पॉइंट याद रखना है आपको, इसका डिफरेंट जो है याद रखना है। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट्स, यदि ऑब्जेक्ट के बारे में अच्छे से समझना है, अच्छे से जानकारी लेना है, हमारे चारों तरफ अराउंड अस, हमारे चारों तरफ जो भी ऑब्जेक्ट है या जहाँ भी जो भी ऑब्जेक्ट है उसके बारे में यदि अच्छे से जानकारी लेना है, इट इज़ नेसेसरी टू क्लासीफाई देम इनटू ग्रुप्स। तो उसको हमको क्या करना होगा, ग्रुप में डिवाइड करना होगा। ओके, इतना समझ में आ गया होगा ऑब्जेक्ट के बारे में। अब हमको लगता है कि ऑब्जेक्ट के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हमको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले क्लासीफाई कर लेना है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्लासीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की चर्चा करेंगे। तो तब तक जो है ना आप इसको रिवाइज कीजिए, अच्छे से इसको पॉइंट बना लीजिए, इसको बार बार रिविजन कीजिए और ऑब्जेक्ट के बारे में और जो है नॉलेज बढ़ाइए और जानकारी लीजिए। और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस ना। ओके, थैंक्स, गुड लक। हेलो एवरीवन, चलिए आप लोग तैयार हैं क्लास सिक्स। हमने पिछले टॉपिक्स में चर्चा की थी सब्जेक्ट साइंस की, चैप्टर फोर सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, इसकी चर्चा की थी। यानी कि वस्तुओं का समूह बनाना, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है, इसकी मैंने जानकारी दी। और आप लोग भी समझ रहे होंगे कि सॉर्टिंग जो है ना ऑब्जेक्ट का, मटेरियल का सॉर्टिंग करना कितना ज़रूरी है। आपको भी लग रहा होगा कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो मैंने पिछले क्लास में चर्चाएँ की और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की चर्चा की और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में बोले थे कि अगले टॉपिक्स में चर्चा करेंगे। ओके, तो इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट देखना है। द एडवांटेज ऑफ सॉर्टिंग एंड प्लेसिंग थिंग्स ग्रुप वाइज, तो सॉर्टिंग का एडवांटेज और प्लेसिंग थिंग ग्रुप वाइज, आपके पास ढेर सारी वस्तुएँ हैं, चीज़ है, उसको आप ग्रुप वाइज यदि आप उसको सॉर्ट करते हो, देन इट दैट इट बिकम्स वेरी इजी टू लोकेट ए पार्टिकुलर थिंग। तो वो वस्तु, वो थिंग्स आपको एक पार्टिकुलर
प्लेस पे चला जाता है। सॉर्टिंग करने पे, उसको ग्रुप में करने पे, वो पार्टिकुलर थिंग्स किसी एक जगह पे आ जाता है और हम उसको इजी वे में आसानी से उसको हम लोग लोकेट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं जब भी आपको ज़रूरत हो। एग्जांपल भी देखिए, मैंने बताया था कि यदि हम किसी किराना दुकान में जाते हैं तो उसमें ढेर सारी वस्तुएं हैं, तो आपको जैसे टूथपेस्ट चाहिए था, इसका एग्जांपल मैंने बताया था, तो किसी एक उस कमरे में जिसमें दुकान लगी होती है, किसी एक पार्टिकुलर प्लेस पे जो है ना सारे सभी के सभी टूथपेस्ट को रखा जाता है। आप जो है टूथपेस्ट की बात करोगे तो वो उसी प्लेस पे जाके वहाँ से निकाल के आपको दे देगा। बिस्किट्स के भी जितने भी आइटम्स होते हैं वो सब के सब किसी एक पार्टिकुलर प्लेस पे उसको फिक्स किया जाता है, रखा जाता है। आप जब भी बिस्कुट की चर्चा करोगे, मांगोगे तो आपको मिल जाएगा। स्पाइसेज आप क्या करता है दुकान वाले, किसी एक पार्टिकुलर प्लेस पे रखता है, तो क्या होता है उसको लोकेट करने में, खोजने में, आपको निकाल के देने में बहुत ही ईजी हो जाता है, यानी कि हमारे लाइफ को सॉर्टिंग ईजी बना देता है। तो सॉर्टिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है मैंने है ओके। सॉर्टिंग को हम लोग भी जो है ना एक तरह तरीके से, यदि हम टाइम को जब सॉर्ट करें, ये भी एक एग्जांपल हो सकता है कि आपने टाइम को जो है कैसे सॉर्ट किया है, 24 घंटे आवर्स को कैसे सॉर्ट किया है कि किस वक्त जो है क्या पढ़ना है, किस वक्त खाना है, किस वक्त सोना है, किस वक्त खेलना है, ये सॉर्टिंग हो गया। यदि आप डेली वही आपका यदि रूटीन रहा तो कोई भी व्यक्ति आपके एक्टिविटी को समझ जाएगा कि इस वक्त ये लड़का ये कर रहा होगा, तो हम लैब से इसको जोड़ के देख सकते हैं ओके। तो क्लासिफिकेशन को जो है डिपेंड कर लिया जाए, ग्रुपिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो आपको ग्रुपिंग करना है डिफरेंट ऑब्जेक्ट का, अलग अलग वस्तुओं का क्या करना है आपको ग्रुपिंग करना है, किस बेसिस पे, तो सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज, सिमिलरिटी के आधार पे। जैसे हमने पेस्ट की बात की तो पेस्ट तो ढेर सारी कंपनी का है, तो लेकिन सब की सब तो पेस्ट है, तो सारे कंपनी का पेस्ट एक जगह ग्रुप कर दिया। बिस्किट्स अलग अलग कंपनी की है, अलग अलग प्रकार की बिस्किट्स है, लेकिन सब की सब तो बिस्किट है, तो उसमें सिमिलरिटीज है कि सब की सब बिस्किट है, कंपनी अलग है लेकिन सब की सब बिस्किट है, इसलिए उसको हमने सॉर्ट किया और एक जगह रख दिया ओके। डिसिमिलरिटीज, डिसिमिलरिटी यदि सिमिलरिटी नहीं है, बिल्कुल ही सिमिलरिटीज नहीं है, तो जैसे पेस्ट और बिस्किट दोनों डिसिमिलर है, इसलिए दोनों अलग अलग प्लेस पे सॉर्ट किया जाएगा, अलग अलग ग्रुप में करके उसको अलग अलग प्लेस पे रखा जाएगा। चलिए, तो क्लासिफिकेशन भी समझ गए आप, तो सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के आधार पे हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, अलग अलग ग्रुप बना के उसको सॉर्ट करते हैं ओके। तो इसमें सिमिलरिटीज डिसिमिलरिटीज आपको नेचुरल, आपको आर्टिफिशियल के आधार पे भी, लिविंग ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के आधार पे भी हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन को हम और आगे चर्चा करेंगे, एक और क्लास लेंगे, एक और टॉपिक इसको जाके क्लियर करेंगे। तो आज पहले जो है हल्की चर्चा की और एक क्वेश्चन हम आपसे कर रहे हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट मैंने दिया, दे रहा हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, आपको इसको क्या करना है, क्लासिफाई दी गिवेन ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ गिवेन क्राइटेरिया ऑफ, जैसे फ्रूट, तो इसमें ऑब्जेक्ट है, इसमें आपको फ्रूट को अलग करना है, उसका एक ग्रुप बनाना है, वेजिटेबल का अलग बनाना है, सीरियल्स का अलग बनाना है, फाइबर्स और स्पाइसेस का अलग बनाना है, जैसे पोटैटो, व्हीट, कॉटन, ब्लैक पेपर्स, एप्पल, सिल्क, लेडीज फिंगर, मेज, चिली, ऑरेंज, वूल, टर्मेरिक, स्वीट पोटैटो, ऑनियन, राइस, गार्लिक। तो ये कुछ आपको ऑब्जेक्ट है, आप क्या करो एक टेबल बनाओ, और जैसे फ्रूट, तो इसमें जितने भी फ्रूट्स हैं, फ्रूट का जो है एक कॉलम बनाओ, वेजिटेबल का, स्पाइसेज का, सीरियल का और फाइबर का, और इसमें क्या करो आप उसको अलग अलग ग्रुप में उसको अलग करो। कर पाओगे? चलो करो, स्टार्ट करते हैं। जैसे पोटैटो की बात करते हैं, तो पोटैटो आप किस में रखोगे, फ्रूट में, वेजिटेबल में, स्पाइसेज में, सीरियलों में और फाइबर्स में, क्या है पोटैटो, क्या है आपको पता लाना चाहिए पहले से, पोटैटो क्या है आपका, तो पोटैटो आपका क्या है, वेजिटेबल है, ये इसमें आ जाएगा ओके। व्हीट, व्हीट किस में आएगा आपको,
व्हीट आ जाएगा इसमें, इसी में अनाज में, ठीक है। कॉटन, कॉटन की चर्चा किए हैं पिछले क्लास में, कॉटन क्या है आपका, फाइबर है, इसमें आ जाएगा। ओके, ब्लैक पेपर, मरीच, काली मिर्च, तो ये आपका आ जाएगा किसमें, स्पाइसेस में, एप्पल, एप्पल तो पता है क्या है, फ्रूट है। सिल्क, सिल्क की चर्चा किए हैं, सिल्क क्या है, फाइबर है। लेडीज फिंगर, भिंडी, भिंडी क्या है आपको, वेजिटेबल है। मैजे, मक्का, मक्का क्या है, इसको इसमें रखिए सीरियल में। चिली, चिली को जो है फ्रूट में रखते हैं लेकिन हम लोग वेजिटेबल में भी यूज करते हैं मिर्च को। ओके, ऑरेंज, ऑरेंज आपका फ्रूट है। ऊल, ऊल भेड़ से मिलता है, याक से मिलता है, गोट से मिलता है, और ये आपका ऊल क्या है, फाइबर है, फाइबर में रखिए। टर्मेरिक, हल्दी किस में रखिएगा आप, स्पाइसेज में। स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो इसमें रखिए वेजिटेबल में। अलुआ, शकरकंदी, ओनियन, प्याज, प्याज को इसी में रखिए वेजिटेबल में। राइस, राइस को इसमें रखिए सीरियल में। गार्लिक, लहसुन को किस में रखिएगा, इसी में रखिए वेजिटेबल में। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको क्लासिफाई, ये कुछ ऑब्जेक्ट दिया था उसको हमने क्लासिफाई कर लिया। आप भी और एग्जाम्पल लो और इसको क्लासिफाई करो, अलग अलग ऑब्जेक्ट आपके पास है, अलग अलग ऑब्जेक्ट का जो है पहले क्या कर लो, ऑब्जेक्ट को लिखो और उसका अलग अलग टेबल बनाओ और अलग अलग सिमिलरिटीज डिसिमिलरिटीज के आधार पे उसको जो है क्या करना है, क्लासिफाई करना है। ओके, चलिए इसको और देखते हैं आगे। हम लोग जो है ना इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन की चर्चा कर ले, कि क्लासिफिकेशन यदि हम करते हैं तो इसका महत्व क्या है, कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होगा, कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस तो होगा, तो क्या है इम्पोर्टेंस, तो क्लासिफिकेशन है द फॉलोइंग एडवांटेज, क्या है इसका एडवांटेज, तो पहला एडवांटेज है इट हेल्प्स इन सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो भी ऑब्जेक्ट है आपके पास, जिसका भी आपने लिस्टिंग किया है, उसको सिस्टमेटिक स्टडी आप कर सकते हो, तो सिस्टमेटिक स्टडी करने में आपको मदद करता है पहली बात। सेकंड वन, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड लोकेटिंग थिंग्स, आपको ये क्लासिफिकेशन मदद करता है आइडेंटिफाई करने में, आपको पहचान करने में कि किस प्रकार का ये थिंग है, ऑब्जेक्ट है, ओके, और उसका लोकेशन क्या है, मतलब कहाँ पे है, आप जो सॉर्ट किए हो तो कहाँ पे है, उसको लोकेट करने में आपको क्लासिफिकेशन मदद करता है और आपको अलग पहचान बनाने में, आइडेंटिफाई करने में आपको मदद करता है। ओके, थर्ड वन, इट हेल्प्स टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ वन कैटेगरी, एक कैटेगरी की बात करते हैं तो उसका, जैसे एक बिस्किट की बात करते हैं, वो सारे बिस्किट जो है अलग अलग कंपनी के का था, और लेकिन प्रॉपर्टीज सारे बिस्किट का एक ही प्रकार का, टूथपेस्ट की बात करते हैं अलग अलग कंपनी का ढेर सारे टूथपेस्ट होंगे लेकिन सारे का जो है प्रॉपर्टीज लगभग लगभग क्या होंगे, सेम होंगे। तो आपको जो है ना ये स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ वन कैटेगरी, एक किसी एक कैटेगरी की बात करते हैं तो उसके प्रॉपर्टीज के बारे में हमको पता चल जाता है क्लासिफिकेशन करने से। एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन दीज प्रॉपर्टीज, और उस प्रॉपर्टीज में भी जो है ना आपको अलग अलग पैटर्न के बारे में पता चल जाएगा। एंड फोर्थ वन, इट हेल्प्स अस टू नो दैट हाउ द मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप डिफर फ्रॉम दोज ऑफ अदर ग्रुप्स। तो आपने क्या किया क्लासिफिकेशन में, अदर अदर अलग अलग ग्रुप बनाया, तो ये आपको ये जानने में मदद करता है कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से कैसे अलग है, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से
कैसे अलग है, इट हेल्प्स, यह आपको मदद करता है टू नो दैट हाउ द मेंबर्स ऑफ वन ग्रुप ऑफ ए ग्रुप डिफर फ्रॉम दोज ऑफ अदर ग्रुप, दूसरे ग्रुप से पहला ग्रुप या पहले ग्रुप से दूसरे ग्रुप, यानी कि ग्रुप में जो भी है उसको आपको अंतर यानी अलग अलग होने के बारे में आपको बताता है। इस तरह से जो है आपको क्लासिफिकेशन का कुछ इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो आपको जानकारी हो गया होगा कि क्लासिफिकेशन का क्या महत्व है, तो ये कुछ पॉइंट्स है, आप इसको रिवाइज कीजिए, इसको पढ़िए। और अगले टॉपिक्स में हम चर्चा करेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि हम लोग को क्लासिफिकेशन करना है तो उसका आधार क्या है, किस किस तरीके से, कौन कौन बेसिस पे। जैसे एक एग्जांपल दे देते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो हम लोग जो है क्लासिफिकेशन करेंगे ऑब्जेक्ट को, तो नेचुरल वाले को अलग रखेंगे और आर्टिफिशियल वाले को अलग रखेंगे। तो ये एक तरीका हो गया, ये एक बेसिस हो गया। जैसे दूसरी बेसिस की बात करते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग, जितने भी लिविंग ऑब्जेक्ट है उसको एक तरफ एक ग्रुप में रखेंगे और नॉन लिविंग वाले को एक ग्रुप में रखेंगे। तो ये लिविंग नॉन लिविंग के यदि आधार पे हमने क्लासीफाई किया तो क्या हो गया, एक बेसिस हो गया। तो इसकी चर्चा नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, ओके। तो आज के लिए बस इतना, ओके। आप इसको रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो, क्वेश्चन आंसर भी करते रहो, ओके। थैंक्स।